अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने वाले हैं मॉर्निंग में खाने वाला एक हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट, जिसके लिए यहाँ पे मैंने उड़द का दाल और चावल को भिगो के रखा था ओवरनाइट के लिए। यहाँ पे मैंने एक कप जो है उड़द का दाल लिया है और चावल जो है वो 3 कप लिया है। और अब हम इसको किया है, तो आप अपने अनुसार आपको जो भी टेस्ट लगे, जो भी वेजिटेबल आप खाना चाहें वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। यहाँ पे मैंने जो भी सब्ज़ियाँ हैं वो सारे एक एक कप यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्याज भी डाला है और अदरक लहसुन को ग्रेट करके डाला है। किसनी में कद्दूकस कर लें और फिर इसको मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो भर के डाला है। अब इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर इसमें थोड़ा खुशबू आए इसके लिए फ्रेश हरा धनिया यूज़ किया है, और इन सब को डालने के बाद हम अच्छी तरह से इस बैटर को मिक्स कर लेंगे ताकि जो सब्ज़ी है वो बैटर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। अब हमें इसमें टेस्ट के अनुसार जो है नमक डालना है। नमक यहाँ पे आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है लाल मिर्च, कुटा हुआ लाल मिर्च डाला है और इसी के साथ चाट मसाला भी डाला है यहाँ पे। अब जो है हम इन सब को भी मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने दही लिया है जो कि 1 कटोरी है, 1 कप के बराबर है। यहाँ पे 1 कप दही डाला है ताकि इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा और अच्छा लगे। अब यहाँ इस मिक्सचर में हम इनो डालेंगे, जो 1 इनो का पैकेट आता है छोटा सा, वो आप 1 इनो पूरा डाल सकते हैं। आप अपने बैटर के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए इसमें फॉर्मेटेशन जो है ना वो अच्छा आ गया है। अब एक पैन में हम तेल डालेंगे और अपने बैटर को इसमें डालेंगे। ये जो बैटर है ना इसमें आप पतला चीला भी बना सकते हैं और मोटा चीला, मैं आपको दोनों तरीके का बना के बताऊंगी। ये देखिए इसको हमें कुछ भी, जैसे हम डोसा में करते हैं स्प्रेड करना पड़ता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। बस हल्के हाथ से आपको इस तरह से बनाना है। बस ये डल गया। अब हम इसको ढक्कन ढक के तकरीबन 1/2 मिनट के लिए इसको मीडियम लो फ्लेम में पकाएंगे। और ये देखिए अब ऊपर से भी अच्छी तरह से बन गया है। अब हम इसको अच्छी तरह से पलट लेंगे। आ रहा है ना बहुत अच्छा इसका जो कलर है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसको 1.5 मिनट के लिए और पकाएंगे। बस हमारा जो चिल्ला है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसको टर्न करके बताती हूँ। ये देखिए एकदम तैयार है। एक और मैं आपको बताती हूँ, ये थोड़ा सा थिक बनाएंगे हम, थोड़ा सा मोटा, वो भी बहुत ही सॉफ्टी और एकदम फुला फुला बनेगा। ये देखिए इसके लिए मैंने थोड़ा बैटर ज़्यादा लिया है और इसको भी बस हल्के हाथ से आपको स्प्रेड करना है। अब जब तक कि ये हो रहा है इसके लिए चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 बड़ा टमाटर लिया है, 4 से 6 लहसुन की कलियाँ ली है, 1 हरी मिर्च लिए, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है और यहाँ थोड़ा से जो है मूंगफली के दाने लिए हैं। तेल गरम करने के बाद हम इसमें मूंगफली के दाने डाल देंगे। इसको हल्का सा सेकने के बाद देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, बस इतना ही करना है हमें इसको।
अब इसके बाद जो बाकी का जो है टमाटर, अदरक, लहसुन और जो है हरी मिर्च, ये भी डाल देंगे हम। और इसको तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर से जो उसका छिलका है ना वो अलग ना हो जाए। ये देखिए, अब यहाँ पे स्टेज में आके हम इसके जो छिलके हैं ना, ये देखिए सारे रिमूव होंगे। ये देखिए मैंने सारे छिलके निकाल दिए, अब गैस को ऑफ कर लिया है। अब जो है ये अच्छी तरह से इसको ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद एक कप दही के साथ में हमने इसे मिक्सी के जार में पीस लेना है। ये देखिए, और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डालें। बस अब इसको हम पीस लेंगे। बन गया चटनी, एकदम तैयार है। अब चलते हैं हमारे चिताऊ की तरफ। अब ये देखिए, ये जो चिला है ये एकदम तैयार हो गया है। आप लोगों को अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक के उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए जल्दी से आप भी ट्राई करें ये रेसिपी और मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।